स्वागत है तुम सबका एक और क्राफ्टर्स के नए एपिसोड में। और आज की वीडियो में मैं रीपर फैल्चियन बनाऊंगा, जो कि अभी तक का सबसे बेस्ट स्वॉर्ड है क्राफ्टर्स एमसी में। तो वही मैं आज बनाने वाला हूँ, और जिसके लिए 9 जॉम्बी हार्ट चाहिए रहता है, वो सब मेरा अभी रेडी है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वैसे तो मैं आज 7 दिन बाद आया हूँ, लेकिन एक चीज़ सबसे बढ़िया है कि मुझे बहुत सारा अभी रिसोर्स मिलने वाला है, जैसे कि इसमें से देखते हैं कितना इसने फार्म किया है। ऑलमोस्ट 6 स्टैक इसने फार्म किया है 7 दिनों में, बहुत बढ़िया है। और वैसे मेरे पास और भी मिनियन है, वैसे ये मैंने एक का ही दिखाया है। तो चलो मैं पहले ये सब कलेक्ट करता हूँ और ज़ॉम्बी हार्ट मैं बना लेता हूँ। शायद से मेरे पास 2 ज़ॉम्बी हार्ट बच जाएंगे जितना मुझे लग रहा है अभी, पहले भी मैंने फार्म करके रखा है, और ये जो सब मिला के जो होंगे तो मेरे ज़ॉम्बी हार्ट बच जाएंगे। ठीक है, मुझे वैसे भी 3 रीपर फैल्चियन बनाना था, एक नहीं, आगे का काम है वो, अभी नहीं। तो चलो कलेक्ट कर लेता हूँ मैं पहले ये सब। और ये देखो, ये है टोटल इतना सारा मुझे इंचांटेड रोटन फ्लास्क मिला है, और यहाँ से मुझे मटन भी मिल जाएगा, इंचांटेड कुक्ड मटन, रॉ मटन सॉरी। ये भी मैं कलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इससे एक बहुत ही बढ़िया आर्मर बनता है वुल्फ मारने में, वुल्फ को मारने में ये एक आर्मर देता है, इससे बनता है, तो इसीलिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। वो भी मैं बनाऊँगा बहुत जल्द। तो चलो ये जो है मेरे पास, ये मैं पहले ज़ॉम्बी हार्ट बना लेता हूँ। और मैंने वैसे भी मेरे पास अभी 5 ज़ॉम्बी हार्ट है और एक क्रिस्टलाइज्ड हार्ट है, तो मुझे 3 और हार्ट चाहिए, हो जाएगा बहुत आसानी से, और ज़ॉम्बी हार्ट बच भी जाएंगे। वो मैं सोच रहा हूँ गिव अवे कर दूंगा, तो लास्ट तक देखना वीडियो को। ठीक है, अभी इसका 4 हार्ट बनाए, और बाकी का मेरा जो पहले मैंने कलेक्ट करके रखा था उससे भी 2 बन जाएंगे, तो ठीक ठाक है। तो इसमें पहले तो ये हार्ट चाहिए, जो ये हार्ट बनता है वो रेड कलर का जो हार्ट है वो बनता है 8 ज़ॉम्बी हार्ट और एक क्रिस्टलाइज हार्ट मिला के, दिखाता हूँ मैं, ये रहा। तो ये वैसे भी मेरा रेसिपी अभी अनलॉक नहीं है क्योंकि अभी स्लेयर 6 मेरा खुला नहीं है, तो वो मुझे पहले खोलना होगा। मेरा तो लक बहुत बेकार है, तो मुझे अभी एक भी ये में नहीं मिला। रेवेनेंट कैटलिस्ट रीपर के लिए ज़रूरी है, तो वो भी मैं मुझे मिल जाएगा अगर मैं लेवल 6 खोल लेता हूँ। तो चलो मैं पहले वो करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। बहुत देर से मैं फार्म कर रहा हूँ और अभी जाके ये कंप्लीट होने वाला है, लास्ट वाला है और कंप्लीट। और आइलैंड में जाके मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर नहीं, वहाँ पर मैं डायरेक्ट बना भी लूँगा, तो यहाँ पर फालतू में क्लेम नहीं करते। चलो आइलैंड चलते हैं। तो आइलैंड तो आ गया, अभी ये ज़रा कचरा मैं साइड कर देता हूँ। कचरा नहीं है, बहुत काम का है, आगे आने वाले टाइम में बहुत काम आएगा, तो इसको संभाल के रखना है अभी के लिए। तो ठीक है, तो चलो अभी फाइनली इसको बनाते हैं। अभी मेरा रेसिपी भी अनलॉक है, मतलब मैंने अभी तक क्लेम नहीं किया, लेकिन हो जाएगा अगर क्लेम करूँगा तो। चलो कॉल मिलाते हैं मैडॉक्स को, और ये रहा मेरा रिवॉर्ड, 100 एक्सपीरियंस, और ये क्लेम करना बाकी है। बहुत कुछ मिल जाएगा, रेसिपी भी अनलॉक होगा और एक रेवेनेंट कैटलिस्ट भी मिलेगा रिवॉर्ड के तौर पर, सोल सेचुरेशन भी मिलेगा, हेल्थ भी मिलेगा। ठीक है, चलो फाइनली क्लेम करते हैं इसको। और ये लो, हो गया क्लेम, ये भी मिल गया है रेवेनेंट कैटलिस्ट। ये हार्ट की बात मैं कर रहा था पहले, इसको हम पहन भी सकते हैं, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा होता तो पहनता। हेल्थ वेल्थ तो ठीक ठाक है, लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छा आर्मर है अभी, फ्रोजन ब्लेज है। तो चलो फाइनल इसको क्राफ्ट करते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन स्वॉर्ड है, जो कि अगर किसी को भी हिट करते हो तो 10 हेल्थ भी देता है, तो ये बहुत ही बेहतरीन स्वॉर्ड है। तो चलो इसको क्राफ्ट करते हैं फाइनली। आ गया है स्वॉर्ड मेरे पास अभी, अरे पहले से ही इंचेंट है, रिपोर्ज है पहले से ही, ऐसा कैसे पता नहीं भाई क्या हुआ, ऐसा तो नहीं होता था पहले।
ठीक है छोड़ो, मैं जितने इंचेंटमेंट है देख लेता हूँ एक बार, और जो नहीं है वो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद हॉट पोटैटो बुक भी डालना है। इंचेंटमेंट तो मैंने सारे डाल लिए हैं, अभी अभी टाइम है इसमें हॉट पोटैटो बुक डालना, जो कि मेरे पास अभी 14 कुक्ड पोटैटो है। ठीक है, ये चारों को मैं अभी साइड करता हूँ, और ये 10 मैं स्वॉर्ड में लगा लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं एकदम तैयार हूँ, मेरा स्वॉर्ड भी मैक्स है, और मेरे जो 4 हॉट पोटैटो बुक एक्स्ट्रा थे वो मैंने चेस्ट प्लेट में डाल दिया है। अभी चलो मैं ट्राई करता हूँ टायर 4 को मार पाता हूँ क्या। तो उसके बाद मैंने बहुत बार ट्राई किया, एक बार नहीं मैंने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन हर बार मैं मर जा रहा था, क्योंकि मैं एक गलती कर रहा था। और मेरे एक दोस्त से मैंने पूछा कि कैसे मारते हैं इसको, मैं क्योंकि मैंने पहले मारा नहीं था तो मुझे पता नहीं था, तो उसने मुझे बताया एक ट्रिक है। तो अभी मैं वो ट्रिक ट्राई करने वाला हूँ, जो कि यहाँ से हम आते हैं, और यहाँ पर एक है और ये दूसरा वाला, इसमें इसके ऊपर आ जाना है और यहाँ पर बॉस को स्पॉन करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि बॉस से भी डैमेज लो, अगर यहाँ पर खड़े हो जाओगे तो बॉस मार नहीं पाएगा, ऐसा ही सीन है। और बीच बीच में डैमेज भी लेना है, वरना बॉस रिजनरेट करने लगेगा। और मैं पहले यहाँ पर खड़े होकर मार रहा था, जो कि यह आर्मर सहन नहीं कर सकता रीपर आर्मर को छोड़कर, लेकिन वो अभी बन नहीं सकता, तो यही ट्रिक मुझे लगाना होगा। ये देखो, अभी यहाँ पर मैं खड़े होकर आराम से इसको मार सकता हूँ, बीच बीच में मैं डैमेज भी ले रहा हूँ बॉस से, वरना अगर बॉस रीजनरेट करने लगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और ये बॉस ख़त्म, और मुझे वो 3 फुल फ्लैश भी मिला है, बहुत खूब, मिनियन में काम आ जाएगा, मैं डाल दूंगा मिनियन में। बॉस का तो सफाया हो गया है, और मैं ये ऑफलाइन बहुत बार मारने वाला हूँ इसको। अभी मुझे जॉम्बी स्लेयर 7 में जाना है लेवल में। तो आज की वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, और मैं जो गिव अवे में बोल रहा था वो मैं गिव अवे करने वाला हूँ, 2 जॉम्बी हट और 1 इंचेंटेड लावा बकेट का। और मैं विनर पिक करूँगा यूट्यूब के कमेंट से, तो अपना नाम डाल देना कमेंट में, जो आपका स्काई ब्लॉक का इन गेम नेम है वो डाल देना, और मैं विनर अनाउंस करूँगा डिस्कॉर्ड में, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे डिस्कॉर्ड का लिंक, तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ जल्दी से, तो तुम वहाँ से देख सकते हो कि कौन कौन विनर है, वरना यूट्यूब पे मैं नहीं डालने वाला। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं अगले नए किसी गेमिंग वीडियो में।